नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। भारत सरकार ने आज से 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो 1 मई से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसका रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि 28 अप्रैल से शुरू हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि इस बार बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए आप वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते, आप वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं है। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार से हम हमारा रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं, वो भी मोबाइल के थ्रू आप बहुत ही आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर, कोई सा भी ब्राउजर जो होगा उस पर जाना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर लिखना है कोविन, जैसे मैंने लिखा तुरंत आ गया cowin.gov.in। आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल दे रखी कि कितने अभी तक वैक्सीनेशन हो चुका है, कितने का डबल डोज हो चुका है, कितने का सिंगल डोज हो चुका है, सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा रजिस्टर साइन इन योरसेल्फ और नीचे लिखा रजिस्टर विथ आरोग्य सेतु। आप आरोग्य सेतु जो ऐप है उसके थ्रू भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट करना बता रहा हूँ। आरोग्य सेतु के लिए आपको अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं रजिस्टर साइन इन योरसेल्फ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप उसको क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। ये गेट ओटीपी, इसको मेरे को क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या एक ओटीपी आएगा आपको, जो यहाँ पर एंटर करना है। देखिए ओटीपी आ चुका है, ये देखिए ऊपर ये ओटीपी है, मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये मैंने ओटीपी डाल दिया है। अब मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आता है। यहाँ पे देखिए फोटो आईडी प्रूफ लिखे हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और ये इतने सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और पेंशन पासबुक, इनमें से कोई सी को भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें पैन कार्ड को चूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे पैन कार्ड का अपना नंबर डालना है। ये मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया है। इसके बाद नीचे जाना और नेम यानी कि पैन कार्ड पे जो नाम लिखा है वो नाम यहाँ पे आपको डालना है। ये मैंने नाम डाल दिया। इसके नीचे आप जेंडर लिखा है तो जेंडर में मेल, तो मेल डाल देंगे। यहाँ पे बर्थ ईयर लिखा है, जिस ईयर में आपका बर्थ है और वो जो पैन कार्ड पे लिखा है वही वाला यहाँ पे डालना है। तो मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने बर्थ ये डाल दिया है। अब मुझे यहाँ पे रजिस्टर का जो साइन वो आ रहा है बटन, उसको मेरे को क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है, ऊपर लिखा आ रहा है रजिस्टर आपका हो गया है, मैसेज भी आपके पास आ गया कि आपने रजिस्टर कर लिया है। अब यहाँ पे आगे देखिए लिखा है अपॉइंटमेंट नॉट शेड्यूल, मतलब आपने अभी अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं किया है। किस टाइम पे किस डेट को आप जाना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ शेड्यूल करता हूँ, शेड्यूल वाले बटन को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए शेड्यूल नाउ लिखा आ रहा है, शेड्यूल नाउ को मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है, जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ का आपको जो पोस्टल पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ये पिन कोड डाल के आप सर्च कर लीजिए। ये आ गया सारा कुछ। यहाँ पे जिस डेट को आपको यहाँ पर करना है अपना वैक्सीनेशन करवाना, वो सारी डेट यहाँ पे आ चुकी है। उस डेट में से जो भी डेट आपको चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ये भी और सारे जो हॉस्पिटल से जहाँ पर ये हो रहा है काम वो भी सारे लिखे हैं, उसमें कितनी डोजेस है वो भी यहाँ पे लिखी। जो भी आपको ठीक लगता है, जो आपके आजू बाजू है उसी को आप यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। सपोज करिए मैंने यहाँ पर जो अपना है उसको ये मैंने चूज़ कर लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है सेलेक्ट टाइम स्लॉट, यहाँ पे आपको टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है कि किस टाइम पर आप जाना चाहेंगे। तो जो भी आपके 4 स्लॉट यहाँ पे दे रखे हैं, सुबह 9 से 11, फिर 11 से 1, फिर 1 से 3 और फिर 3 से 6, ये इस स्लॉट में से कभी भी जाकर आप अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो चलिए मैं कोई स्लॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने शाम को 3 से 6 का जो स्लॉट है उसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे कन्फर्म का बटन आ रहा है, अब कन्फर्म का बटन को मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं कन्फर्म बटन को क्लिक करता हूं तो मेरे पास इस प्रकार का मैसेज आता है कि योर वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट इज कन्फर्म्ड, ठीक है। नीचे सारी डेट और जो हॉस्पिटल मैंने चूज किया उस हॉस्पिटल का नाम भी लिखा रहा है, ठीक है। इस टाइप से आप अपना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को कर सकते हो, अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कर सकते हो। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है जो बहुत आसानी से आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं और अपने वैक्सीनेशन कि जो प्रक्रिया है, अपनी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको आसानी से करके आप वैक्सीनेट हो जाइए। क्योंकि अभी बहुत ही जो माहौल है बहुत ही खतरनाक चल रहा है, इसमें वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करवाइए।
आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।